सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बन रहे हैं चैनल के ऊपर, और मैं भी नहीं बनाई जा रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा हम मुसीबतों को फेस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने अपना आईफोन लिया था, अभी कुछ 10-15 दिन पहले, अभी 15-20 दिन हुआ है, आप मानोगे नहीं कि एक तो आईफोन मैंने लिया, न्यू लिया है, और इसमें इशूस आ रहे हैं। आईफोन न्यू लिया था, अभी इसको 10-15 दिन हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि यार, कि न्यू फ़ोन में इतना ज़्यादा मतलब बग्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं। दूसरा कि गाइस, अभी मैंने एक खुशी आई नहीं थी कि दूसरी खुशी मुसीबत आ गई। जैसे कि घर हम काफ़ी टाइम से उसके ऊपर रह रहे थे, हम सारे तीनों फैमिली रहते हैं, हम अपनी बहन और दीदी और मैं, हम सारी फैमिली इकट्ठे रहते हैं। तो उसके बावजूद है ना, अचानक कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले मकान मालिक ने बोल दिया सारा खाली करो। तो हम कमरा ढूंढ रहे हैं, वो भी मुसीबत फेस कर रहे हैं। हमने बहुत जगह ढूंढा पर कहीं जगह के कमरा नहीं मिल रहा है। और तीसरा ये है कि हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे अपना घर लेने का, तो उस बीच में अब हमारी को दिक्कतें ये आ रही है कि घर लेने से पहले हमको कहीं पे स्टे करना था 4-5 महीना, कि हमने मतलब थोड़े टाइम रुक करके हमने लिया था, 4-5 महीना लगता हमें ये थोड़ा बहुत रिकवर करने में। तो एक ही दिन से उन्होंने बोल दिया घर खाली करो। एक तो ज़्यादा मुसीबत आ गई है, अभी समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो इसलिए हम सबसे पहले तो अपना घर ढूंढ रहे हैं, और ताकि किराए के कोई मकान ढूंढ रहे हैं वहाँ पे हम एडजस्ट होके रह सके। और तीसरे आईफोन जो है ये, इसको थोड़ा सा देख के मैं और ज़्यादा परेशान सा हो गया हूँ कि यार न्यू फ़ोन है, अभी जाके दिक्कत क्यों कर रहा है 15 दिन के अंदर। और चौथा घर लेने वाले थे, सारे प्लानिंग ख़राब हो गया, ठीक है। और पांचवा, मानोगे नहीं कि हम है ना, अभी काम करने के लिए आप मानोगे नहीं कि 25 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, और 25 किलो चल के आना जाना करना हमारे डेली का, पर डे का 100 रुपये का तेल लग रहा है, और हम 250 रुपये कमा रहे हैं। 250 में से 100 रुपये का तेल लग गया, सिर्फ 150 रुपये हम पूरे दिन में कमा रहे हैं। क्योंकि घर जहाँ पर है वहाँ से 25 किलोमीटर चल के हमको वहाँ दूसरी जगह आना पड़ता है जहाँ पर हमारा काम लगा हुआ है, और जैसा काम हमें चाहिए वैसा काम वो यहाँ पे मिल रखा है। तो इसलिए इतने दूर से हम चल के यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए काफ़ी टाइम से हम ब्लॉग भी शूट नहीं कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले आप मानोगे नहीं कि चैनल को फिर स्ट्राइक आ गया था, पहले तो 3 आया, चैनल डिलीट होने के ऊपर हो गया था। मुझे टेंशन नहीं थी कि स्ट्राइक आ गया, ये आ गया, हो गया। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन थी कि भाई मेरे वीडियो, क्योंकि मैंने उसके ऊपर है ना इतने काफ़ी टाइम से उसके वीडियो डाल रहा हूँ, 1300-1400 उसके ऊपर वीडियो पड़ी है, तो मुझे मेरी काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मेमोरी पड़ी हुई है। तो मुझे यही फिक्र था कि वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। चैनल की कोई फिक्र नहीं थी मुझे, पर जो चैनल के ऊपर डेटा था ना उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी, और थी कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम में जैसे हफ्ते का जो एक दिन पड़ा था ना, उसके बीच में अपने मानोगे नहीं कि एक ऐसा सा हुआ मैजिक कि 3 स्ट्राइक में से 2 स्ट्राइक चले गए, 1 रह गया, तो चैनल तो डिलीट होने से बच गया। पर चैनल के ऊपर जो वो आया ना, क्या कहते, स्ट्राइक के वजह से जो उसके ऊपर वो लगा है रिस्ट्रिक्शन, वो बहुत बेकार है, ठीक है। एक तो चैनल काफ़ी ज़्यादा टेक डाउन हो गया है, वो व्यू नहीं आ रहे जो पहले आ रहे थे, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर काम करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब काफ़ी सारी मुसीबत हम फेस कर रहे हैं। उस बीच में मैं देख रहा हूँ कि यार यूट्यूब के ऊपर वीडियो कैसे डालें, तो नहीं डाल पा रहा हूँ। और ये मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ, या आज मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, आज है 22 तारीख, अभी अपलोड पता नहीं कब होएगी, शायद मैं इसको बहुत जल्दी कर दूँ, और 3-4 दिन बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मतलब 3-4 दिन बाद हम वीडियो एडिट कर रहे हैं और डाल रहे हैं, पहले हम डेली डाला करते थे। हमने अपना इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रखा था जहाँ पे हम जाके अपनी सारी वीडियो एडिट करते थे और अपलोड करते थे, वहाँ पे डाला करते थे, और वो इंस्टीट्यूट भी इस महीने पूरे होने वाला है 1 तारीख को। तो अब हमारे पास बजट नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट में जा कर के एडिट करें, तो हम इंस्टीट्यूट भी क्विट कर रहे हैं। हमें 2 महीना हो गया, हमें काफ़ी अच्छा चल रहा था सारा कुछ हमारा, पर बीच में अचानक से पता नहीं क्या कहते बुरा वक्त आया, पर हम लड़ रहे हैं उससे, हम भाग नहीं रहे। तो भैया लड़ने में है ना ये होता है, आप अपने जो काम कर रहे हो उसको छोड़ देते हो, उसको टाइम देना कम कर देते हो, क्योंकि यार उसको मुसीबत से लड़ना इतना आसान नहीं होता। सो गाइस, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके हम अपना आने वाला काम बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। और प्लीज़ सपोर्ट करना, मेरा न्यू चैनल है, इसके ऊपर वीडियो डाल दूँ, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और सपोर्ट भी करना। बाय बाय। तो अभी के टाइम में हम एडजस्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि हम वहाँ से सुबह सुबह 5 बजे निकल के आ जाते हैं, और 5:30 बजे तक हम काम पे पहुँच जाते हैं। अपना खाना वाना सारा कुछ बांध के नहीं दे ला भी जाता हूँ, और पार्क में बैठ के खाता हूँ। तो अभी हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करो यार।